गोरखपुर नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर 2 साल कार्यरत रहे अंजनी कुमार सिंह को शासन द्वारा निदेशक मंडी परिषद बनाया गया है। नगर आयुक्त ने पिछले 2 साल में शहर में विकास और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हुए अनेक ऐसे कार्य किए जिससे गोरखपुर की जनता ने सराहा है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए नगर आयुक्त ने प्रभावी भूमिका निभाई थी। पिछले 2 वर्षों से शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर का स्थान पिछले साल 227वें रैंक से 82वां रैंक हासिल करवाया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निवर्तमान नगर आयुक्त ने गोरखपुर महानगर वासियों से मिले प्यार के प्रति आभार जताते हुए अपील किया कि अभी महानगर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए निवर्तमान नगर आयुक्त एवं वर्तमान निदेशक मंडी परिषद अंजनी कुमार सिंह ने कहा, सर आपने गोरखपुर में लगभग 2 साल दिया, यहाँ पर अब नई जगह जा रहे हैं, इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन सर किस तरह का कार्यकाल आपका रहा गोरखपुर में, कैसा रहा? आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पाता हूँ आज ये कि पिछले 2 साल नगर निगम गोरखपुर में कार्यरत रहा, मुझे टीम का ज़बरदस्त सहयोग मिला, मेरे सारे अधिकारीगण मेरे साथ जो कार्य करते रहे उनकी मेहनत का फल था कि लगभग नगर विकास के सभी प्रतिमानों पर हम लोगों ने अच्छा काम किया। आप जानते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण में पिछले साल बहुत ऊंची पायदान पर हम लोगों ने 227 से 82वें रैंक पर 82nd रैंक पर आए। इसके अलावा सफाई की स्थिति आप देख रहे हैं, 2 साल पहले सफाई की समस्याएं थीं, कुछ सफाई कर्मचारियों की समस्याएं थीं, सफाई कर्मचारियों के कल्याणार्थ जितना काम हो सकता था हमारी टीम ने किया और उसका फल ये हुआ कि पिछले 2 साल में एक बार भी किसी सफाई कर्मचारी की स्ट्राइक नहीं हुई। वो समय से काम पर आते हैं, समय से जाते हैं और यही कारण है कि शहर पहले से साफ हुआ है, गलियां भी साफ़ हुई हैं, पेयजल में भी अच्छा काम हुआ है। इसके अतिरिक्त नालियों के बायोरेमेडिएशन की या नालों के टैपिंग की, प्रदूषण के मानकों पर खरा उतरने की, NGT के निर्देशों का पालन करने की, लगभग सभी दिशाओं में नगर निगम ने अच्छा काम किया है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गोरखपुर के सम्मानित नागरिकों का भी ज़बरदस्त सहयोग मिला है और उनके सहयोग से ही ये संभव हो पाया कि स्वच्छता की रैंकिंग में हम लोगों ने ऊंची छलांग लगाई। इसके साथ ही आज ये उचित अवसर है कि मैं एक अपील भी करना चाहूँगा कि अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है, आगे एक लंबी दूरी तय करनी है हमें और हमें अपने महानगर को भारत में बहुत ऊंची रैंकिंग दिलाना है और जिस तरह इंदौर और अंबिकापुर के नाम आते हैं उस तरह मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि गोरखपुर का भी नाम आए और इसके लिए हमें एक लंबी दूरी तय करनी है और ये दूरी तय तभी की जा सकती है जब हर एक नागरिक का सहयोग मिले, हर एक नागरिक सॉलिड वेस्ट में स्वयं मैनेजमेंट करे। हमेशा ही एक मैं कहता हूँ, आज भी कहूँगा कि सॉलिड वेस्ट के लिए एक दिनचर्या बननी आवश्यक है, एक नियत समय पे ही सॉलिड वेस्ट घर से बाहर आना चाहिए और अगर वो सेग्रीगेटेड आता है तो फिर तो हमारे लिए कोई भी काम बाकी नहीं रह जाता, ये बहुत आसानी से हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे और शहर को बहुत ही सुंदर बनाने में सफल होंगे। पार्क्स में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, आप लाल डिग्गी पार्क देख रहे हैं, कई पार्कों में अमृत योजना से अच्छा काम किया गया है, महानगर में सीवरेज का काम हो रहा है, पेयजल का काम हो रहा है, हर घर में पेयजल कनेक्शन दिया जा रहा है और आगे भी ढेर सारी परियोजनाएं हैं। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शहर के लिए 200 करोड़ के लगभग की परियोजनाएं सिर्फ नगर की सड़कों के लिए स्वीकृत की हैं जिससे सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। तो कुल मिलाकर मैं ये पाता हूँ कि पिछले 2 साल में शहर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और यह नागरिकों को दिखाई भी दे रहा होगा। अब नागरिकों का कर्तव्य यह है कि इस परिवर्तन को सकारात्मक दृष्टि से, इस परिवर्तन जो परिवर्तन हुआ है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनकी है कि अगर शहर स्वच्छ हुआ है तो स्वच्छता को बनाए रखें, अगर शहर नागरिकों के लिए सुगम हुआ है, चलने के लिए उनको सुविधा मिली है तो उन सड़कों को वैसा ही रखें, चौड़ी रखें, उस पर अतिक्रमण न करें। तो सारी सुविधाएँ तभी तक हैं जब तक नागरिकों का सहयोग अच्छा मिलता है। तो इसी अपील के साथ मैं यहाँ से जाना चाहूँगा कि गोरखपुर नगर निगम ने यद्यपि बहुत अच्छा काम किया है, आगे बहुत ही काम करने की ज़रूरत है और अगर हर एक नागरिक हमें सहयोग करेगा तो हम इसमें सफल रहेंगे।